आरिफ खान ड्रग्स मामले में फंसे एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शनिवार को सीबीआई ने समीर वानखड़े से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। समीर से सीबीआई ने क्या सवाल पूछे वो तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि समीर से जांच एजेंसी ने मुंबई स्थित दफ्तर में इस केस से जुड़े हर पहलू पर जवाब मांगा और रिश्वत लेने के आरोपों में उनकी भूमिका को भी खंगाला है। हालांकि पूछताछ के बाद समीर वानखड़े जब सीबीआई ऑफिस से बाहर निकले तो मीडिया के सवालों पर सिर्फ सत्यमेव जयते कहकर आगे निकल गए, लेकिन समीर की मुश्किलें अब और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई के बाद समीर वानखड़े का गृह केडार सीबीआईसी भी इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। एनसीबी ने अपनी विजिलेंस रिपोर्ट सीबीआईसी के साथ भी शेयर की है। विजिलेंस रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआईसी ने विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। समीर वानखड़े मौजूदा समय में चेन्नई में ही केंद्र सरकार के सीबीआईसी विभाग में ही पोस्टेड है। आपको बता दें कि शनिवार को समीर वानखड़े को कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स की जब्ती के मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के अवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए मांगने से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। वानखड़े सीबीआई के बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित ऑफिस पहुंचे। समीर जब सीबीआई दफ्तर पहुंचे तो उनसे 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पूछताछ की गई। इस दौरान समीर वानखड़े से सीबीआई ने कुछ संभावित सवाल पूछे। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए क्या आप क्रूज टर्मिनल पर मौजूद थे? प्राथमिक सूचना क्या थी जिसके आधार पर छापा मारा गया? इस जानकारी का सोर्स कौन था? क्या आर्यन खान के बारे में कोई खास जानकारी थी और क्या एजेंसी को उससे जुड़ा कोई इनपुट मिला था? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक गवाह मनीष भानुशाली ने मीडिया को बताया था कि उन्होंने क्रूज पर आर्यन खान को ड्रग्स ले जाने की जानकारी दी थी। क्या ये सच है? क्या अधिकारी विशेष रूप से टर्मिनल पर आर्यन खान का इंतजार कर रहे थे? केपी गोसावी कौन है? आप केपी गोसावी को कब से और कैसे जानते हैं? केपी गोसावी के खिलाफ आपराधिक मामले थे, क्या आप इसके बारे में जानते थे? पकड़े जाने के बाद केपी गोसावी संदिग्धों को हैंडल क्यों कर रहा था? खासकर आर्यन खान को केपी गोसावी के साथ कार में एनसीबी दफ्तर क्यों लाया गया? केपी गोसावी को आर्यन खान तक क्यों पहुंचा दिया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि वो सिर्फ एक गवाह थे? बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की ओर से दायर की गई एफआईआर में कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की जा रही थी। एफआईआर में ये भी खुलासा हुआ है कि इस मामले में गवाह केपी गोसावी आर्यन खान के पिता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की फिराक में थे। गोसावी तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की ओर से शाहरुख खान से करोड़ों रुपए वसूलने के फिराक में थे। तो वही एफआईआर के मुताबिक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशेष जांच टीम की ओर से की गई जांच से पता चला है कि आर्यन खान सहित आरोपियों को स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी की निजी वाहन से एनसीबी के ऑफिस में लाया गया था। बहरहाल अब सीबीआईसी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि एनसीबी की सतर्कता रिपोर्ट के अलावा वानखड़े को लेकर कुछ और भी शिकायतें मिली है। एनसीबी की सतर्कता रिपोर्ट में वानखड़े के संबंध में भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मुद्दों का भी हवाला दिया गया है। हालांकि अभी इस मामले में समीर वानखड़े से और भी पूछताछ होनी बाकी है। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में समीर वानखड़े के ऊपर क्या एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।